नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग आप लोग को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिंपल ब्लाउज का जो है कि ड्राफ्ट बनाया है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, देखिए हम जो कपड़ा लेते हैं उसे हमें डबल में फोल्ड करके रखना है। सेकंड है, उसके बाद लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। यानी कि हम जो भी ब्लाउज लेंगे, मान लीजिए कि आप 15 इंच का ब्लाउज ले रहे हैं, तो उसके अंदर में 1 इंच हाफ इंच ऊपर के साइड में और हाफ इंच नीचे के साइड में जाएगा, तो हम 1 इंच जो है कि एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हमारा 16 इंच का ब्लाउज हो जाएगा। गले के लिए आपको सीने का 12वां भाग लेना है, यानी कि हम यहाँ पे गला बनाते हैं 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच का हमें यहाँ पे 12वां भाग हमें ले लेना है। शोल्डर का आधा करके लेना है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे शोल्डर बना रहे हैं 15 इंच का, तो 15 इंच का हमें आधा लेना है, तो हमारा शोल्डर हो जाएगा यहाँ पे 7.5 इंच। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर। गले की आगे की लंबाई अपने अनुसार, यानी कि हम जो ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका गला हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है उसे हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच रखना है, यानी कि जो हमारा बैक साइड का पार्ट होता है उसका जो ये आर्म होल होता है, यहाँ से हम जो निशान लगाते हैं तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की तरफ से 3.5 इंच पर टक्स पर निशान, यानी कि जो हमारा ये गला है इस साइड से ये हमारा निशान जो लगेगा, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान हमारा लग जाएगा। तो देखिए हमने ये ब्लाउज बनाया है, इसे भी समझा देते हैं। तो हम इस भाग को गला बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये डाउन किए हैं इसे शोल्डर बोलते हैं, जो डाउन किए हैं शोल्डर डाउन हो गया ये, और ये हमारा शोल्डर हो गया, यानी कि कंधा भी बोलते हैं, कितने लोग कंधी भी बोलते हैं। और ये जो गोला बनाए हैं हम, तो इसे हम आर्म होल बोलते हैं, और ये आर्म होल का आधा हिस्सा है हमारा, और यहाँ पे से यहाँ तक जो है कि ये हमारा, देखिए ये मार्जिन वाला हो जाता है एक्स्ट्रा, और ये हमारा फिटिंग वाला हो जाता है। तो हम यहाँ से फिटिंग जो है कि लगाते हैं। कमर की तरफ 1 इंच कम, यानी कि ऊपर हम जितना रखेंगे उससे कमर का जो है कि 1 इंच कम ही फिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच कम में फिटिंग हो जाएगा, तो ये भी हमारा फिटिंग का निशान हो गया। और ये टोटल हमारा पीछे का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।